Good morning, roomies. Are you all ready to learn a new chapter? आप सब तैयार हैं नया चैप्टर पढ़ने के लिए? आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 6, जिसका नाम है प्रकृति संदेश। ये एक कविता है, इसमें कवि क्या बताना चाह रहा है देखेंगे हम। सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। फर्स्ट शब्द क्या है? पर्वत। पर्वत मतलब पहाड़, पर्वत पहाड़। शीश सिर, शीश सिर। मृदुल कोमल। उमंग उत्साह, उमंग उत्साह। पृथ्वी धरती। धैर्य धीरज। संसार जग या दुनिया, संसार जग या दुनिया। बच्चों ये शब्दार्थ आपको लर्न भी करने और नोटबुक में भी यू हैव टू डू देम। ये कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है? आप लोग सब बच्चे कभी पहाड़ों पे, सागर या नदी के किनारे पे गए हो सैर करने के लिए? आपने वहाँ गए हो तो आपने क्या अनुभव किया है, आपने क्या देखा है सराउंडिंग्स में, आसपास की जगह में आपने क्या महसूस किया है, क्या चीज़ नई देखी है जो जहाँ आप रहते हो वहाँ नहीं है? चलो पढ़ते हैं कविता अपनी। पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उड़ उड़ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। Now children, you have to also read it twice, okay? ताकि वो आपको अच्छे से समझ में भी आए और आप उसको रीड भी कर सको। थैंक यू चिल्ड्रन।